नमस्कार प्रणाम तथा अभिवादन सम्पूर्ण श्रोतामै। अभि हामी कि नगुवा सोह्र वृगत सोह्र नगुवा मानिस छन्। वृगत सोह्र नगुवाकै अवस्था रहलबाटे माइदिया पोखरीके पास नै अनि यहाँ पे एकदम भीषण आग लगी भेल बा। जन आग लगी कि अपने के प्रत्येक शसर लगे सम्पूर्ण के बीच में आग लगे आग लगी के और कबार फैक्ट्री रहा बाटे जन में आग लगी भेल बा। बीरगज सोर नगवा के अवस्था रहा बा और भीषण आग लगी भेल बा। जन आग लगी के साथ साथ में यहाँ पे हवा के भी जन लपटा रहा बा बढ़ते जा रहा बटे और इस चीज़ के अपने बीच में हमने के प्रत्यक्ष प्रसारण बीरगंज संचार .com के मार्फत से अपने सम्पूर्ण के बीच में लेके आ रहा सर। अभी देख सकते हैं ये अवस्था जो रहा बा और आग लगी जो रहा बटे एकदम भयानक रहा बा। और यहाँ के नगवा सोर बीरगंज सोर नगवा के अवस्था रहा बटे माइदिया पोखरी के कॉर्नर पे ये आग लगी भेल बा और ये आग लगी से जौन क्षति के रहा बा। अब अंदर का रहा उस चीज़ के अभी तक हमने कोई भी जानकारी नहीं मिलल लेकिन आग रहा बा जौन बढ़ते जा रहा बा। भीतर प्लास्टिक सब रहा बा जैमे आग लगी भेल बा और अभी तक यहाँ पे वायु नियंत्रण के गाड़ी जौन कुछ देर पहले हमने के जानकारी मिलल बटे बीरगंज महानगर पालिका के वायु नियंत्रण के गाड़ी आ रहा बटे जौन अभी रास्ता में ही रहा बा और अभी यहाँ तक पहुँचल नहीं के। और ई जानकारी के साथ में सम्पूर्ण श्रोता के पुनः ध्यान आकर्षण कराबे जाम छन। अभी हमनी नगवा सोर बीरगंज सोर नगवा माइदिया पोखरी के कॉर्नर पर जौन यहाँ के और रहल बाटे प्लास्टिक के गोदाम रहल बाटे प्लास्टिक के कुछ डब्बा सब रहल बाटे जौन अपने देख रहल बानी अपने यहाँ पे देख रहल बानी। यहाँ पे आग लगी जौन बाटे आग लगी जौन बाटे बीरगंज सोर नगवा के अवस्था रहल बाटे। और यहाँ पे कुछ दुकान सब भी रहल बाटे दुकान सब के भी आंशिक रूप से क्षति होते जा रहल बाटे आग के जौन लपटा रहल बाटे वो दुकान सब में भी बढ़ चुकल बाटे। और बीरगंज महानगर पालिका के वायु नियंत्रण के गाड़ी जौन रहल बाटे वो आवे के क्रम में बा। और इस चीज़ के दृश्य हमने के संपूर्ण अपने के बीच में प्रत्यक्ष प्रसारण में वाणी सभी प्रत्यक्ष प्रसारण से देखा रहे सन। बीरगंज नगवा के अवस्था रहा बटे माइदिया पोखरी के पास में जौन रहा बटे माइदिया पोखरी के पास में जौन एक प्लास्टिक के कचरा के सब गोदाम जैसन रहा बटे पूरा जानकारी अभी भी नहीं मिल पाएल हमने के कोई भी संबंधित व्यक्ति से। यहाँ के जौन अवस्था रहा अपने के बीच में हमने के लेके आ रहा सन आग लगी भेल बटे। और बीरगंज संचार .com के अपने के बीच में हमेशा ताज़ा अपडेट खातिर अपने के साथ में रहनी सन। फेस के लाइक करी और शेयर करी अपने जहाँ पे बानी वहाँ जगह से संबंधित निकाय तक पहुँचावे के प्रयास करी अपने जहाँ पे बानी उस जगह से संबंधित निकाय तक पहुँचावे के प्रयास करी। और ये प्रत्यक्ष प्रसारण से अपने सम्पूर्ण के बीच में हमने के दृश्य के देखा रहा बानी सन। बीरगंज संचार .com देख रहा सम्पूर्ण श्रोता में आग्रह रहा बटे जे भी देख रहा बानी संबंधित निकाय तक पहुँचावे के प्रयास करी वीडियो के। और संबंधित निकाय से जहाँ तक से अपने के सहयोग जुटा सकते नहीं उस जगह से बीरगंज नगवा सोर माइदिया पोखरी के कॉर्नर के ये अवस्था रहा बटे जहाँ पे भीषण आग लगी भेल बटे। और आग लगी से जौन रहा बटे घर में बगल के घर सब रहा बटे ये घर के भी अपने अवस्था देख सकता नहीं हमने के जूम करके दिखाओ के चाहन घर के भी भीतर आके लपटा सब बढ़ते जा रहा बटे। और घर के भीतर अपने देख रहा बानी कि छोटा सा जौन पुआल रहा बटे उसे हमने के देख रहा बानी सन कि घर के भीतर भी आके जौन लपटा रहा बटे बढ़ गए बटे। और एक मुझावे के भी स्थानीय लोग के प्रयास जारी रहा बटे यहाँ पे मुझावे के भी प्रयास कर रहा बा लोग प्लास्टिक के जौन डब्बा सब रहा बा ओकरा निकाल के और आग के जौन लपटा रहा बटे ओकरा कंट्रोल करे के प्रयास कर रहा बा लोग स्थानीय लोग और कोशिश कर रहा बा लोग आग के लपटा के जौन रहा बटे ओकरा के नियंत्रण करे के खातिर। और यहाँ के जौन नगवा सोर के अवस्था रहा बटे यहाँ के स्थानीय लोग एकदम प्रयास कर रहा बा लोग कि प्लास्टिक के जौन डब्बा सब रहा बा ओकरा के निकाल के और आग के लपटा जौन रहा बटे कम से कम फैले के फैलो कह के और जहाँ तक जोगा सकल जाए यहाँ के अवस्था के। और यहाँ के जौन स्थानीय तह के रहल बा लोग युवा लोग के सहयोग से कोशिश कर रहा बा लोग कि आग के जौन लपटा रहा बटे ओकरा के बचावे खातिर। और ये अवस्था अपने सम्पूर्ण के बीच में बीरगंज संचार .com के प्रत्यक्ष प्रसारण से हमने के देखा रहा बानी सन। संबंधित निकाय के जे भी व्यक्ति बानी वहाँ से जौन सहयोग हो सकता है सहयोग पहुँचाई माइदिया पोखरा के कॉर्नर पे जौन गोदाम रहा बा गोदाम में आग लगी भेल बा भीषण आग लगी भेल बा। और ये आग लगी से भीतर के जौन अवस्था रहा बा भीतर के भी जौन अवस्था रहा बटे भीतर सब भी बगल में घर रहा बा घर में भी आग के जौन लपटा रहा बटे वैसे ही बढ़ते जा रहा बटे। और हमने के देख रहा बानी सन यहाँ के युवा लोग भी सहयोग करके और जितना तो हो रहा बटे आगे के नियंत्रण कर में प्रयास कर रहा लोग वायु नियंत्रण के गाड़ी निकलला 5 मिनट से 7 मिनट जितना हो चुकल बा हमने के जानकारी अनुसार। और अभी तक वायु नियंत्रण के गाड़ी पहुँचल नहीं के हमने के देख रहा बानी सन वायु नियंत्रण के गाड़ी भी आ चुकल बटे
और आके जो रहल बटे मुझावे के प्रयास युवा लोग के सहयोग में एकदम जारी रहल बटे। brilliantsindia.com से अपने के विषय प्रत्यक्ष प्रसारण सुनने के माध्यम से यहाँ के पुलिस प्रशासन निकाय के तो कोई भी निकाय के व्यक्ति लोग के नहीं पर यहाँ पर रहल। नगवा बीरगंज सोर नगवा के अवस्था रहल बा माई दिया पोखरी के कॉर्नर पे गोदाम रहल बटे, कोई प्लास्टिक के गोदाम हटे ओमे आग लगी भइल बटे और आग लगी के जौन रहल बटे एकदम भीषण आग लगी रहल बटे, आग के लपटा सब बढ़ते जा रहल बटे। बारू नियंत्रण के गाड़ी अपने सब देख रहल बानी कि बारू नियंत्रण के गाड़ी जौन रहल बटे वो गाड़ी भी आ चुकल बटे, हमनी के देखा रहल बानी सन कि बारू नियंत्रण के गाड़ी भी आ चुकल बटे और अभी प्रयास भी हो रहल बटे ओकरा मुझावे के यहाँ के युवा लोग के सहयोग में और प्रयास कर रहल बा लोग ओकरा के नियंत्रण करे खातिर। और यहाँ के जे भी भीतर के हमनी के अभी जानकारी अनुसार भीतर एगो स्कॉर्पियो रहल हटे, वो स्कॉर्पियो भी स्कॉर्पियो जौन रहल बटे वो स्कॉर्पियो भी जरल कह के हमनी के जानकारी मिलल बटे। बारू नियंत्रण के गाड़ी आके पानी मुझाव के छड़काव शुरू कर देले बटे जौन रोड से मेन रोड से रहल बटे, वैसे ही बारू नियंत्रण के गाड़ी इस साइड से भी अपने के आवल हमनी के जानकारी मिल रहल बटे, आके नियंत्रण करे में प्रयास रहल बटे। यहाँ युवा लोग के भी सहयोग रहल बटे। बीरगंज सोर नगवा के अवस्था रहल बटे अपने सपनों के संपूर्ण के बीच में और ये अवस्था के अपने के बीच में हमनी के brilliantsindia.com के मार्फत से हमनी के देखा रहल बानी सन। और यहाँ के अपने के अवस्था देख सकता नहीं कि बगल में जो घर रहल बटे वो घर में भी आंशिक रूप से आग के लपटा सब भीतर भी गई हमनी के देखनी सन, आंशिक रूप से आग के लपटा सब भीतर भी गई देखनी सन। और अभी के जो आग के अवस्था रहल बा मुझावे खातिर बीरगंज महानगर पालिका के बारू नियंत्रण के गाड़ी भी आ चुकल बा और पानी के छड़काव शुरू हो चुकल बा जैसे हमनी के आगे से शुरू हो चुकल बा पानी के छड़काव जौन चीज हमनी के यहाँ पे देख रहल बानी सन अपने संपूर्ण के बीच में प्रत्यक्ष प्रसारण के मार्फत से अपने के बीच में हमनी के लेके आ रहल बानी सन। और आके मुझावे के प्रयास एकदम शुरू हो चुकल बाटे। बीरगंज सोर नगवा के अवस्था रहल बा माई दिया पोखरी के कॉर्नर में ये गोदाम रहल बाटे। गोदाम के अभी भी हमनी के जानकारी नहीं मिलल कौन चीज के गोदाम रहल, एगो लकड़ी के दुकान रहल, एगो तरकारी के और सब सामान सब रखल और खाली लकड़ी लकड़ी रहल। और हमनी के अभी और के कर दुकान रहल छै बाबू शंभू समथिंग लकड़ी के गोदाम। अभी के स्थानीय लोग के जानकारी अनुसार शंभू नाम के बानी कोई और स्थानीय व्यक्ति बानी वहाँ के व्यापारी बानी वहाँ के गोदाम रहल खटे लकड़ी के गोदाम रहल वैसे ही तरकारी के गोदाम रहल जौन लकड़ी के गोदाम और तरकारी के गोदाम में आग लगी भेल बटे। और हमनी के स्थानीय के जानकारी अनुसार भीतर एगो स्कॉर्पियो भी जौन लखटे, मानवीय क्षति कोई भी नहीं थे लेकिन भौतिक क्षति के रूप में अभी तक आग मुझैला के बाद में ही ओकर निर्णय अभी देख सकता लोग कर सकता लोग। अभी के स्थिति में जौन आग के रहल बा नियंत्रण करे खातिर बीरगंज महानगर पालिका के वायु नियंत्रण के सहयोग से आग के नियंत्रण करे के प्रयास हो रहल बटे। वैसे ही युवा लोग के भी एकदम भूमिका रहल बटे कि सहयोग रहल बटे यहाँ के आग के नियंत्रण करे के प्रयास में रहल बा लोग, युवा लोग भी यहाँ पे और युवा लोग के भी एकदम जौन सहयोग रहल बटे सहयोग से आग के नियंत्रण करे के प्रयास हो रहल बटे। बीरगंज महानगर पालिका 16 नंबर नगवा के अवस्था रहल बटे, माई दिया पोखरी के कर्नर के अवस्था रहल बटे अपने संपूर्ण के बीच में हमने के देखा रहल बानी सन प्रत्यक्ष प्रसारण से और प्रत्यक्ष प्रसारण देख रहा संपूर्ण श्रोता में आग्रह रहल बटे एक संबंधित व्यक्ति तक अपने पहुँचा जगह तक पहुँचाएं और संपूर्ण श्रोता के पुनः जानकारी कराबे चाहे सन। बीरगंज सोर नगवा के अवस्था रहल बा माई दिया पोखरी के कॉर्नर में और यहाँ पे कबार के हमनी के जानकारी अनुसार कुछ कबार के भी सामान सब रहलक और लकड़ी के गोदाम साथ साथ में सब्जी के गोदाम रहल हटे जिनमें आग लगी भेल बटे। और आग लगी के क्षति जौन रहल बटे मानवीय क्षति कोई भी नहीं रहल, भौतिक क्षति के रूप में जौन क्षति रहल बा उस चीज़ के अभी विवरण आवे के बाकी रहल बा। और आग के नियंत्रण करे के प्रयास जौन रहल बटे एकदम देख रहल बानी सन सफल हो रहल बा, आग नियंत्रण में आवे के क्रम शुरू हो चुकल बटे। जौन आग के लपटा रहल हटे जौन बढ़ते जात रहल ओकरा के नियंत्रण में लेवे के जौन प्रयास रहल बटे और हमनी के देख रहल बानी सन कि सफल हो रहल बटे, आग के लपटा कम हो चुकल बटे पहले से। और अभी के जौन अवस्था रहल बटे सामान्य अवस्था में होखल तो नहीं है लेकिन आग के जौन अवस्था रहल हटे वो आग के अवस्था पहले से बहुत कम भैल हमनी के देख रहल बानी सन अपने संपूर्ण के बीच में प्रत्यक्ष प्रसारण से अपने के देखा रहल बानी सन। और पुनः संपूर्ण श्रोता के ध्यान आकर्षण कराबे चाहे सन यहाँ पे भीड़ के भी जौन रहल बटे एकदम बढ़ चुकल बा, भीड़ भी वैसे ही बढ़ल बटे आग के जौन अवस्था रहल बटे वो देखते हुए और स्थानीय लोग के सहयोग के स्थानीय युवा लोग के भी सहयोग जौन रहल बटे बहुत सराहनीय भूमिका युवा लोग के भी सराहनीय भूमिका रहल बटे इस जगह पर स्थानीय लोग के भी जौन यहाँ के आग के लपटा रहल बटे आग के लपटा के नियंत्रण करे खातिर। और यहाँ के आग के लपटा जौन रहल बटे अभी हमनी के जहाँ पे आग लगी भेल बा उस जगह पे बानी सन और उस जगह से अपने के बीच में हमनी के प्रत्यक्ष प्रसारण बानी सन प्रत्यक्ष प्रसारण से अपने के देखा रहल बानी सन कि जौन नॉर्मल अपने के सामान्य रूप में यहाँ के घर सब में आगे जौन लागल घर के जड़ चुकल बाटे और भीतर के जौन अवस्था रहल बटे ये अवस्था के अपने के बीच में देखा रहल बानी सन। स्थानीय लोग रहल बा लोग रहे वाला रूम बाटे जिनमें अभी कुछ ज़्यादा क्षति के नहीं अवस्था रहल लेकिन यहाँ के जौन रखे वाला गोदाम सब रहल बटे गोदाम में आग लगी भेल बटे और गोदाम के जर भेल बटे और बगल के जौन रहल बटे गोदाम रहल बा लकड़ी के गोदाम जिनमें आग लगी भेल बटे और लकड़ी के गोदाम में के आग जौन रहल बटे अभी भी
नियन्त्रणमे नहीं आयल और ये आग लगी के और अभी के जानकारी अनुसार यहाँ पे और हमनी के जानकारी अनुसार अभी के जो आग के अवस्था रहल बाटे सामान्य हो चुकल बा एने के, लेकिन दोसर के जौन रूम रहल बाटे जे अपने के लकड़ी के गोदाम रहल बा, लकड़ी के गोदाम के अवस्था अभी भी वैसे रहल बा। लकड़ी के जौन आग रहल बाटे वो आग अभी भी नियंत्रण में नहीं आयल और आग के लपटा रहल बाटे वैसे अभी भी देख रहल बानी अपने बढ़ते जा रहल बाटे। बारू नियंत्रण के गाड़ी आके एक ओर से आके नियंत्रण में ले चुकल बाटे, दोसर ओर से आके जौन लपटा रहल बाटे वो एकदम अभी भी सामान्य नहीं है। बारू नियंत्रण के गाड़ी जो रहा बाटे एकदम यहाँ पे आ चुकल बाटे। बारू नियंत्रण के गाड़ी अपने के बीच में देख रहा बानी सन के, बारू नियंत्रण के बीरगंज महानगर पालिका के बारू नियंत्रण के गाड़ी भी यहाँ पे आ चुकल बाटे और आग के नियंत्रण करे खातिर प्रयास कर रहा बा लोग। और आग के एक ओर के आगे नियंत्रण हो चुकल बाटे, दूसर ओर के जौन लकड़ी गोदाम रहल बाटे वो लकड़ी गोदाम के आग अभी भी नियंत्रण में नहीं आयल। हमनी के जानकारी अनुसार जौन लकड़ी गोदाम रहल बाटे ओमे सिलेंडर लखटे दूगो सिलेंडर, जौन सिलेंडर के निकाल देवल गई बाटे लकड़ी गोदाम में, जौन सिलेंडर लखटे दूगो और दुकान से गोदाम से सिलेंडर निकाल चुकल हमने के जानकारी मिलल खटे। और ये अवस्था के प्रत्यक्ष प्रसारण के साथ मानी सन बीरगंजसंजाल.com के देख रहा संपूर्ण श्रोता में हमने के आग्रह रहा बाटे। यहाँ के जौन भी श्रोता रहा बनी संपूर्ण श्रोता में हमने के आग्रह रहा बाटे, यहाँ के जौन अवस्था रहा अवस्था नियंत्रण के गाड़ी प्रयास कर रहा बाटे आगे के मुझाव के क्रम में। और यहाँ के बारू नियंत्रण के बीरगंज महानगर पालिका के बारू नियंत्रण के गाड़ी जौन रहा बाटे वो हमने के देख रहा बनी सन यहाँ पे आ चुकल बाटे। अभी के ये अवस्था जौन रहा बाटे बीरगंज महानगर पालिका 16 बीरगंज महानगर पालिका 16 नगवा के माई दिया पोखरी भेल बाटे और ये आग लगी के अभी नियंत्रण ले चुकल गई बाटे ही जैसन बा। अभी के आगे जौन रहा अवस्था सामान्य होते जा रहा बाटे, गोदाम लकड़ी के जौन गोदाम रहा बाटे जेमें के आग अभी भी सामान्य अवस्था में ले आवल नहीं पावल लोग, लेकिन प्रयास अभी भी जारी रहा बाटे लकड़ी के गोदाम के जौन आगे रहा बाटे ओकरा के सामान्य अवस्था में ले आवे के। और प्रत्यक्ष प्रसारण से अपने संपूर्ण के बीच में हमने के जौन अवस्था रहा यहाँ के अवस्था के बारे में प्रत्यक्ष प्रसारण के मार्फत से अपने के बीच में पहुँचा रहा बनी सन और संपूर्ण श्रोता के हमने के पुनः ध्यान आकर्षण कराबे के चाहन यहाँ के अवस्था के बारे में। और अभी हमने के नगवास में बानी सन 16 नंबर वार्ड माई दिया पोखरी कॉर्नर पर, और यहाँ के अवस्था के बारे में अपने के बीच में हमने के प्रत्यक्ष प्रसारण बीरगंजसंजाल.com से देख रहा संपूर्ण श्रोता में हमने के यहाँ के जौन अवस्था रहा अवस्था के बारे में प्रत्यक्ष प्रसारण से अपने के बीच में लेके आ रहा बनी सन आगे के नियंत्रण करे के प्रयास और जारी रहल बा। बारू नियंत्रण के बीरगंज महानगर पालिका के बारू नियंत्रण के गाड़ी भी रहल बा जौन यहाँ पे आ चुकल बाटे और अभी भी जौन अवस्था रहल बाटे चारू ओर के अवस्था अपने के सामान्य कहते हुए जौन सेटर सब रहल बा सेटर में सेटर के बगल से जौन आग लागल बा आग के अवस्था जौन रहल बा अभी भी सामान्य नहीं हो पाइल। उस चीज के अपने के बीच में प्रत्यक्ष प्रसारण से हमने देखा रहा सन यहाँ के बारू नियंत्रण के व्यक्ति लोग के साथ साथ में यहाँ के स्थानीय युवा लोग के भी सहयोग के साथ में आगे के नियंत्रण करे के प्रयास रहा हटे और जौन प्रयास रहा सफल होत नजर आ रहा बा हमने के आगे के रहल बा अवस्था जौन उस सामान्य अवस्था होत हमने के देख रहा बानी सन। और हमने के अभी देख रहा बानी सन कि आगे के एक ओर से आगे के अवस्था जौन रहा सामान्य रहा बा वैसे ही यहाँ पे भीड़ जौन रहा बाटे एकदम भीड़ बहुत ज़्यादा रहा बाटे। और नगवा के 16 नंबर वार्ड में माई दिया पोखरी के अवस्था रहा बाटे बीरगंजसंजाल.com देख रहा संपूर्ण श्रोता में हमने के जानकारी दे यहाँ से हमने के सुशिक्षित करा रहा बनी सन जानकारी पहुँचा रहा बनी सन बीरगंज नगवा के अवस्था रहा बाटे 16 नंबर वार्ड के अवस्था रहा बाटे। और यहाँ पे जौन भीड़ रहा बाटे भीड़ एकदम असामान्य भीड़ रहा बाटे और आग के नियंत्रण करे के प्रयास बाटे एकदम जारी रहा बाटे। और यहाँ के जौन अवस्था रहा बाटे अवस्था के हमने के देख रहा बनी सन अवस्था जौन बाटे और हमने के जानकारी अनुसार भीतर कोई आदमी जैसन बात जानकारी हमने के मिलल बटे और प्रयास कर रहा बा लोग के आदमी रहा बा भीतर या का रहा बटे उस चीज़ के और जानकारी लेके प्रयास कर रहा बा लोग लागल बा लोग के पूरे के प्रयास कर रहा बा लोग और हमने के अपने संपूर्ण के बीच में और ये अवस्था के हमने के प्रत्यक्ष प्रसारण के रूप में
किसान रहे या कृषि चीज़ के जानकारी ले रहे भीतर कोई आदमी रहा बाकी का रहा बटे चीज सब जानकारी ले रहे कोई भी आदमी नहीं के रहा हमें जानकारी मिल रहा बटे यहाँ पे जन अवस्था रहा बटे भीड़ के अवस्था रहा बटे पूरा और बीरगंज महानगर पालिका नगवा सोरह के अवस्था रहा बा प्रशासन निकाय के व्यक्ति लोग भी पहुँच चुके बा लोग और यहाँ पे और यहाँ पे जौन यहाँ पे भीतर सिलेंडर रहा हमने जानकारी मिल के नियंत्रण करे खातिर और यहाँ के कोई भी बड़ा क्षति होके से बचावे खातिर यहाँ पे स्थानीय तह के जे भी रहा लोग कोशिश कर रहा बाके बचाव के खातिर और ये जानकारी के साथ में और यहाँ के जौन अवस्था गैस सिलेंडर भर जानकारी हमने के मिलल था गैस सिलेंडर के निकाले के प्रयास हो रहा बटे और आके जौन लपटा रहा बटे आके लपटा जौन रहा बटे वो बाहर और आवे के और यहाँ के स्थानीय तौर पर सहयोग में भीतर के सिलेंडर बाकी बा कोई भी मानवीय क्षति ना हो कहके प्रयास कर रहा बा लोग बचाव के प्रयास कर रहा बा लोग मानवीय क्षति कोई भी ना हो और यहाँ के अवस्था रहा बटे अपने संपूर्ण ये विषय प्रत्येक प्रसारण समिति देखा रहा बने सर वृहद संसार डॉट कॉम देख रहा संपूर्ण श्रोता में यहाँ के अवस्था जौन रहा बटे आग के अवस्था बाहरी अवस्था सामान्य हो चुकल बा अभी भी जौन दुकान के अवस्था रहा बटे दुकान सेटर सबके भीतर में आग के लपटा भीतर भी रहा बा कि कैसे रहा बटे या सिलेंडर सब में आग लागी भइल बा या ना उस चीज के सामान्य करे खातिर यहाँ के प्रशासन निकाय और युवा लोग के सहयोग में आग के नियंत्रण करे के प्रयास हो रहा बटे और यहाँ से प्रत्येक प्रशासन से अपने संपूर्ण के बीच में हमने के देखा रहा है अवस्था और यहाँ के प्रशासन निकाय के सहयोग में यहाँ के जौन अवस्था रहा बटे अवस्था के अपने संपूर्ण के बीच में यहाँ के प्रशासन निकाय के सहयोग में यहाँ के जौन रहा बटे अवस्था वो अवस्था के बारे में सिलेंडर सब रहा बटे जैसे जानकारी आयल बहुत जानकारी हमने के यहाँ पे देख रहा बनी सन और भीतर के जौन अवस्था रहा अवस्था के अभी भी यहाँ के प्रशासन निकाय के सहयोग में अवस्था के सामान्य बनावे के प्रयास हो रहा बटे और अपने संपूर्ण के बीच में यहाँ के अवस्था के बारे में प्रत्यक्ष प्रसारण से वीरगंज संसार डॉट कॉम के प्रत्यक्ष प्रसारण से अपने के बीच में हमने देखा रहा सन वीरगंज महानगर पालिका नगवा सोरह के अवस्था रहा बटे या पोखरी के और इमें पानी के अवस्था रहा बटे इमें दाना सब रखल बटे और जिम्मे भी आग लगी भइल बटे और अभी भी इमें के जौन रहा बटे और सिलेंडर के हमने के सुने आयल बटे सिलेंडर के रहा बटे प्लास्टिक हमने के सुने आयल बटे और इमें के जौन प्लास्टिक सब रहा बटे दुनिया के जौन अवस्था रहा बटे प्रशासन निकाय लोग के सहयोग सामान्य बनाबे के प्रयास कर रहा लोग और संपूर्ण श्रोता में यहाँ के प्रत्यक्ष प्रसारण के मार्फत से यहाँ के जौन अवस्था रहा बटे वो अवस्था के अपने के बीच में हमने के लिए आ रहा है सीधे संजाल डॉट कॉम देख रहा और संपूर्ण श्रोता में यहाँ के प्रशासन निकाय सामान्य क्षति होके से और रोके खातिर ओकरा के सामान्य बनाबे के प्रयास है संपूर्ण श्रोता के पूरा ध्यान आकर्षण कराबे जान सन वीरगंज नगवा नगवा सोरह के अवस्था रहा बटे माई दिया पोखरी के बटे यहाँ के जौन अवस्था रहा बटे सामान्य हो गई अवस्था हमने देख रहा बानी सन आग के नियंत्रण में ले चुकल गई बटे और संपूर्ण श्रोता के अंत में हमने के ध्यान आकर्षण करावे के चाहन आग के जौन अवस्था रहा बटे सामान्य हो चुकल बा आग के नियंत्रण में ले चुकल गई बटे एगो लकड़ी के गोदाम रहा तो दोसर अपने के जौन बाटे प्लास्टिक के तरकारी के गोदाम रहा जिसमें प्लास्टिक के डब्बा सब रहा बटे जिसमें आग लगी भर लगटे और आग लगी के अभी नियंत्रण में ले चुकल गई बटे वीरगंज महानगर पालिका के बारू नियंत्रण के सहयोग में आग के नियंत्रण में ले चुकल गई बटे और अभी के जौन अवस्था रहा बटे सामान्य अवस्था रह गई बटे यहाँ के अवस्था जौन रहा सामान्य रहा बटे ये घटना अपने के वीरगंज महानगर पालिका सोरह नगवा के माई दिया पोखरी के कॉर्नर में रहल गोदाम की अवस्था रहा बटे जहाँ पे लकड़ी के गोदाम वैसे ही अपने के सब्जी के गोदाम रहा कटे और ये दोनों गोदाम में आग लगी भर लखटे
और दुनू के क्षति के विवरण अभी भी आवे के बाकी रहल बाटे। यहाँ के जौन अवस्था के अभी हमनी के सामान्य अवस्था हो चुकल बाटे और संपूर्ण श्रोता के ध्यान आकर्षण करावे के चाहन सामान्य अवस्था रहल बाटे और संपूर्ण श्रोता के पुनः हमनी के ध्यान आकर्षण करावे के चाहन। यहाँ के जौन युवा लोग के सहयोग रहलक है, युवा लोग के जौन सहयोगी भूमिका रहलक बटे बहुत सराहनीय रहलक है, युवा लोग के सहयोग में आके नियंत्रण मिले चुकल गेल बाटे और ये अवस्था अभी सामान्य हो चुकल बाटे जौन जानकारी अपने संपूर्ण के बीच में हमनी के दिलावे के चाहन। और यहाँ के अवस्था सामान्य भैया के बावजूद भी यहाँ के जौन प्रशासन निकाय के व्यक्ति लोग रहल बटे नवल अपने के नवल शाह लिखल हमनी के देख रहा बानी सन। यहाँ पे नवल शाह हमनी के देख रहा बानी सन जेकर गोदाम बाटे वहाँ के शायद अपन नंबर दिले बानी। नवल शाह जी के जौन गोदाम रहल बटे वैसे ही अपने के मित्री राज कह के एगो नाम हमनी के देख रहा बानी सन जेकर ई गोदाम भइल आशंका कइल जा रहल बटे। मित्री राज के गोदाम भइल वैसे ही नवल शाह के गोदाम भइल हमनी के जौन ई आशंका कइल जा रहल बटे। और यहाँ के अवस्था के बारे में अपने के संपूर्ण के बीच में बीरगंज संजाल डॉट कॉम के मार्फत से अपने के बीच में हमनी के प्रत्यक्ष प्रसारण से हमनी के अपने संपूर्ण के बीच में पहुँचा होती है सन। हमनी के अपने के बीच में यहाँ के जौन भी अवस्था रहल बा बीरगंज महानगर पालिका के लगाए थे हर एक जगह के ताज़ा अपडेट खातिर हमनी के अपने के बीच में रहनी सन। और ऐसे ही अपने के बीच में पुनः हमनी के कोई भी घटना दुर्घटना के साथ में जौन रहल बाटे अपने के बीच में आवत रहन सन। फिलहाल खातिर अभी के जौन अवस्था रहल बाटे और संपूर्ण श्रोता में पुनः ज्ञात करावे जान सन अवस्था सामान्य हो चुकल बाटे। आग लगी जौन रहल हटे अभी वायु नियंत्रण के सहयोग से बीरगंज महानगर पालिका के वायु नियंत्रण के सहयोग से आगे के सामान्य अवस्था में ले चुकल गेल बाटे और अवस्था अभी सामान्य हो चुकल बाटे। बीरगंज महानगर पालिका 16 नगवा के अवस्था रहल हटे माइदिया पोखरी के कॉर्नर में आग लगी भई रहल और यहाँ के अवस्था जौन रहल बाटे अभी सामान्य हो चुकल बा और ये अवस्था के सामान्य भइल जानकारी के साथ में अभी के जौन प्रत्यक्ष प्रसारण रहल बाटे प्रत्यक्ष प्रसारण से हम कृष्ण श्रीवास्तव भी छूटे के चाहें। हमनी के साथ में हमेशा ऐसे ही ताज़ा अपडेट खातिर दूर जुड़े रहीं। पेज के लाइक करी हमनी के बीरगंज संजाल डॉट कॉम पर जाके हमनी के फॉलो करी वैसे ही यूट्यूब पर भी अपने बीरगंज संजाल टीवी पर जाके ये सब अपने के जौन भी हमनी के कंटेंट रहल बा वीडियो सब रहल बाटे न्यूज़ जितना भी अपने के ताज़ा अपडेट सब रहला उस चीज़ के हमनी के अपने के बीच में ऐसे ही अपडेट लेके आवत रहें सन। इस जानकारी के साथ में अभी के जौन अवस्था रहल बा सामान्य हो चुकल बाटे कहते हुए कृष्ण श्रीवास्तव छूटे के चाहें संपूर्ण के बीच से।